हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिपिकल ढाबे स्टाइल की पनीर भुजी। ये पनीर की भुजी बनाने के लिए मैं लूंगी एक बड़ी चम्मच देसी घी। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बट प्लीज सरसों या तिल के ऑयल में ये सब्जी नहीं बनाइएगा, क्योंकि उस तेल से पनीर का टेस्ट खराब हो जाता है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 स्पून जीरा, 1/4 स्पून जीरा। इसे हम क्रैकल होने देंगे। जीरा क्रैकल हो गया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 चुटकी हींग। ये जो मैं आपको सर्विंग बता रही हूँ, ये मैं आपको 3-4% के लिए बता रही हूँ। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का जो मैंने कट के रखा हुआ है। अगर आप अनियन खाते हैं या गार्लिक खाते हैं तो इस स्टेज पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। गार्लिक आप पेस्ट के रूप में लीजिएगा और अनियन आप लेंगे तो उसको चॉप करके लीजिएगा, पेस्ट मत लीजिएगा। चॉप अनियन ही इसके अंदर अच्छा लगता है। आज मैं बिल्कुल ढाबे स्टाइल आपको पनीर की भुजी बताऊंगी, जिस ढाबे में जो आपको पनीर की भुजी आप जाके पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा ये मसाला हो चुका है। नाउ इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने 100 ग्राम के करीब टमाटर लिए हैं जो मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। इस टमाटर को मुझे पकाना है। ये आपको श्योर रखना है कि आपको प्यूरी नहीं लेनी है। प्यूरी लेने से पनीर की भुजी में वो टेस्ट नहीं आता है और वो एकदम नहीं अच्छी लगती है। वो इसको हमें पकाना है। ये सारा काम आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। नाउ अब इस स्टेज पे मैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल जाएंगे। पनीर में थोड़ा मसाला हल्का ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा तेज मसाला नहीं अच्छा लगता। मैं आपको 250 ग्राम पनीर के हिसाब से बताऊंगी। इसके अंदर जाएगा 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/4 गरम मसाला, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1/4 हल्दी। हम इसको पकाएंगे। हमारा ये मसाला टमाटर के साथ साथ ही पक जाएगा। हमें इसको टमाटर को एकदम अच्छे से पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेगा। पूरी सब्जी प्रिपरेशन करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। अगर आपका टमाटो चॉप्ड है, पनीर आपने साइड में रखा हुआ है, आपके इंग्रेडिएंट्स आपके रेडी है, तो हार्डली 5 मिनट। देखिए ऑलमोस्ट हमारे टमाटर हो गए हैं। किसी किसी को थोड़े चंक आते हैं टमाटर्स को, वो पसंद आते हैं, तो ठीक है आप उस हिसाब से भी अपना रख सकते हैं। नाउ ये देखिए हमारा टमाटो रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, इसमें 1 चम्मच हमारा जाएगा दही और 1 चम्मच इसमें हमारा जाएगा बड़ा भर के मलाई। मलाई के साथ जब ये टमाटो पकेंगे तो ये मलाई जब अपना घी छोड़ेगा तो इसका अपना ही एक अलग फ्लेवर होगा। देखिए मलाई और दही डालते ही हमारे सब्जी की कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। आज मैं आपको वैसे भी क्रीमी पनीर सिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइम पे थोड़ी सी एक छोटी साइज की शिमला मिर्च छोटी छोटी चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी कुछ लोगों को पसंद आता है, नहीं तो आपके पास अगर मोटी हरी मिर्च होती है भरवा वाली, वो भी आप छोटी छोटी काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर मेरा जाएगा 250 ग्राम। ये मैंने हाथ से ही क्रम्बल किया हुआ है पनीर को। 250 ग्राम के करीब पनीर जाएगा। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी सब्जी बनती है ये। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में पनीर रखा है तो आपने फटाफट से उसको बना लिया। अगर आपको ज्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें मिर्च अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमने हमारा ये पनीर इसमें मिक्स किया। नाउ अब इस स्टेज पे देखिए हमने पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। अच्छा, आपको एक टिप शेयर करती हूँ। कई बार होता है पनीर हम मार्केट से लाते हैं, वो दूसरे दिन ही पीला पीला सा हो जाता है या अजीब सी स्मेल आती है, वो यूज करने लायक नहीं बनता। आप क्या करिए, पानी बॉईल करिए, उस पानी के अंदर 1 पिंच हल्दी डालिए और 1/2 चम्मच नमक डालिए। उस बॉईल पानी के अंदर आप पनीर को डिप करके छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट, फिर आप उसको निकाल लीजिए, आपका पनीर एकदम फ्रेश निकलेगा। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी 90% ये हमारी सब्जी तैयार है। अब इसमें लास्ट में क्या जाएगा,
अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधी चम्मच कसूरी मेथी जो मैंने तवे पे पीस के पाउडर बना ली थी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है इस सब्जी के अंदर। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है, अमूल की फ्रेश क्रीम है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्या करूंगी, इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी सिम गैस पे, जिससे कि जो इसके अंदर मसाले हैं वो पनीर अब्सॉर्ब कर ले और हमारे पनीर में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए कसूरी मेथी और सब मसालों की। 2 मिनट में इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी लास्ट में क्या करना है। 2 मिनट के बाद देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ ऑयल साइड में घी दिख जाएगा, जो पनीर ने साइड से घी छोड़ दिया है। अब आपकी सब्जी रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी, इसे अपने सर्विंग बाउल में निकालूंगी। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद अब इसमें जाएगा जो ढाबे वाले करते हैं, 1 चम्मच बटर। आप व्हाइट बटर यूज कर सकते हैं, अमूल का बटर यूज कर सकते हैं। पनीर हमारा बहुत गर्म है, 2 से 3 मिनट में ये बटर मेल्ट हो जाएगा। एंड सम फ्रेश कोरिएंडर, ये देखिए आपकी विद इन 5 मिनट्स क्रीमी ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी तैयार है। ये देखिए इसमें बटर किस तरीके से, बटर नीचे किस तरीके से तैर रहा है। जब आप इसकी बाइट लेंगे, बिलीव मी, आपको बिल्कुल ढाबे स्टाइल जैसा ही टेस्ट आएगा।